संग यूं ही चलते हैं जो, एक ही घर में पलते हैं जो, आगे पीछे दूबदू एक दूजे के रूबरू, शौहर बीवी सास बहू हम तो वेले हैं, हमारी तो रोज ही छुट्टी है। फिर हमें तो रोजाना पिकनिक पे जाना चाहिए ना वेस। वैसे वेस में तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तो कबाब में कुछ काला काला लग रहा है। दाल में काला होता है, कबाब में प्याज ही होता है। दाल में काला होता है इसलिए तो आंटी ने कबाब बनाए हैं कि किसी को काले काले का पता ना चले। अच्छा ये बताओ कि पिकनिक में हम खाने में और क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं? और पिकनिक में है अंकल के कान खाने के। डैड के कान? क्या कह रही है तुम? तो सही कह रही हो ना विज, मैंने उस दिन अंकल को खुद कहते हुए सुना था कि सुनो सलमा, तुम हर वक्त बहू के खिलाफ जो है ना मेरे कान जो है वो खाती रहती हो। वैसे मैंने गौर से देखा था अंकल के कान जो है ना वो थोड़े थोड़े छोटे हो गए हैं। इसका मतलब है मेरे कान तो बिल्कुल खत्म होने वाले होंगे। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे तो अंकल की बड़ी फिक्र हो रही है, अगर आंटी इसी तरह अंकल के कान खाते रहे ना तो अंकल को ना दिखाई देना बंद हो जाएगा। कान से नजर आने का क्या ताल्लुक है, क्या बातें कर रही हो तुम? विज है ना, देखो ना अंकल के कान खा खा के आंटी बिल्कुल खत्म कर देंगी तो फिर अंकल जो है वो जो ऐनक लगाते हैं वो कहाँ लगाएंगे और फिर उनका दिखाई देना बंद हो जाएगा। साइंस है, अपनी साइंस खुद ही बनाई है तुमने। पिकनिक है ना, तो मैंने कहा क्या पता पिकनिक पे शिकार मिल जाए, इसलिए मैं जरा बंदूक साफ कर रहा हूँ। बंदूक साफ करें? आप अकेले बंदूक साफ करें, आंटी नहीं है? बंदूक हमेशा अकेले में ही साफ होती है, दो बंदे मिलके साफ नहीं करते। क्यों, दो बंदे मिलके क्यों नहीं बंदूक साफ कर सकते हैं? इसलिए कि अगर उनके दरमियान कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए तो खुदा जाने उस वक्त किसके हाथ में बंदूक। इस वक्त तो बंदूक आपके हाथ में है, मैं चलती हूं। हां हां, घबराने की कोई जरूरत नहीं बहू, बंदूक खाली है, बंदूक हमेशा खाली ही साफ की जाती है। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बताएं कि जो खाली बंदूक होती है उससे बीवी मर जाती है? उससे बीवी मर जाती है क्या मतलब? मतलब ये है कि विज उस दिन मुझे बता रहा था अखबार में से पढ़ के कि एक बंदा जो था ना वो अपनी बंदूक साफ कर रहा था और जब वो बंदूक साफ कर रहा था तो उसकी बंदूक चल पड़ी और फिर उसकी बीवी चल पड़ी। ओहो, बीवी चल नहीं पड़ी, बीवी चल बसी। हाँ, वैसे भी वो जिस आदमी के बारे में अखबार से पढ़ रहा था वो बेवकूफ, उसने एक भरी हुई बंदूक जो थी उसको वो साफ कर रहा होगा और उसका रुख भी अपनी बीवी की तरफ होगा। वैसे एक बार मेरे से भी गलती से इस तरह ही गोली चल पड़ी थी। माय गॉड अंकल, आपने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया कि सलमा आंटी जो है वो आपकी दूसरी बीवी है। मतलब ये कि जब आपसे बंदूक चली होगी तो सलमा आंटी तो चल पड़ी होंगी ना, चल बसी होंगी, तो ये तो दूसरी बीवी होंगी। नहीं भाई, हाँ वो सलमा ही थी वहाँ, लेकिन शुक्र है कि वो गोली जो है वो जाके सलमा को नहीं लगी, सलमा के हाथ में एक बहुत मोटा सा आलू था उसको जाके लगी। आपको तो बहुत अफसोस हुआ होगा गोली जाया होने का, है ना? मैंने शुक्र किया कि मेरा निशाना खता हुआ और सलमा बच गई। खता किया आपने अंकल, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, आपको पता है अमेरिका में जो लोगों का निशाना ठीक नहीं होता वो शर्मिंदा होता है। ये अजीब मुल्क है कि यहाँ पे लोग जो है वो शुक्र करते हैं अल्लाह का। आप बीमारियां गिन रही हैं? कैसी बीमारियां? ये सब क्या है? ये सब पिकनिक का सामान है। परवीन आंटी, क्या आप हमेशा हमेशा के लिए पिकनिक मनाने के लिए जा रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि इतना ढेर सारा सामान क्यों लेके जा रही हैं? भाई ये सारा सामान खाने पीने का सामान है, आखिर पिकनिक पर हमने खाना भी तो खाना, और खाना जितना भी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। आपको पता है अमेरिका में ज्यादा खाना जो होता है ना वो एक बीमारी समझा जाता है। सोनिया, हम अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे पर
परवीन देखो तो सही, मैं कैसी लग रही हूँ? हाय सलमा, तुम तो बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही हो। सच? परवीन आंटी आपको क्या हो गया, आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये मेरी सास है, माय मदर इन लॉ सलमा, आप उनको भूल गई? सोनिया, उन्होंने मेरी तारीफ की है, मुहावरा बोला गलती से। बेगम, अरे भाई जल्दी करो, शाम हो गई तो फिर शिकार नहीं नजर आएगा। ओ माय गॉड अंकल, आप इन कपड़ों में पक्के जवारी लग रहे हैं। अरे बहू, अरे क्या हो गया तुम्हें, अपने ससुर को जवारी कह रही हो तुम? बंदूक पकड़ी हुई है ना, वो क्या होता है वो? अरे हाय शिकारी होता है बेटा, शिकारी। हाँ। शिकारी। और भाई साहब, आप इस लिबास में कहीं खुद ही ना जंगल में शिकार हो जाए। क्यों भाई, इस लिबास में मैं क्या कोई बारहसिंगा लग रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब है पुलिस वाले मशकूक लोगों को जगह जगह गिरफ्तार कर रहे हैं ना। अच्छा भाई देखो सलमा, तुमने वो गैस का चूल्हा और वो मिर्च मसाले वगैरह तैयार कर रही है ना, गाड़ी के अंदर रख लो, अगर शिकार मिल गया तो ताजा ताजा पकाने का मजा ही कुछ और है। और वैसे भी हमने मालिक मकान की गाड़ी स्टार्ट करनी है। चले चले मुझे पहले ही डर था ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वे तुम्हें क्या डर लग रहा है, मुझे ज्यादा डर लग रहा है इस गाड़ी में बैठ के। भाई बात दरअसल ये है कि इतनी देर ये बेकार खड़ी रही इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट तो हो जाएगी। ये गाड़ी मालिक के मकान की है। हाँ। और वो इसे स्टार्ट करने का भी गुर जानता है। अरे भाई हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो गई हो। ओहो चले भाई, आप लोग नीचे उतरे, इसे धक्का लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है, अब तुम हम खवातीन से धक्का लगवाओगे? नहीं मॉम, आप खवातीन बाहर खड़े होकर इस गाड़ी पर रवा तबसरा करें, मैं और डैड इस गाड़ी को धक्का लगा लेंगे। यार इस गाड़ी में पेट्रोल भी है कि नहीं? नहीं। तो फिर ये चलेगी कैसे? ये गाड़ी बगैर पेट्रोल के ही चलती है। ओहो ये क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हो, चेक करो इसमें पेट्रोल है कि नहीं। ओहो मॉम बता तो रहा हूँ, ये गाड़ी पेट्रोल पे नहीं गैस पे चलती है। विज हो सकता है ना कि मालिक अंकल की गैसकेट जो है वो काट दी गई हो क्योंकि उन्होंने गैस का बिल ना दिया हो। ओहो बहू, अब उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो कोई गैस का बिल देता फिरेगा, खाता तो वो सारा वक्त हमारे यहाँ से। यार ये उतर के देखो वजीर, इसका बॉनेट खोलो और देखो इसकी बैटरी सही भी है कि नहीं। बॉनेट खोलो इसे। डैड बॉनेट कैसे खुलेगा? अरे भाई यहाँ से उठाओ, ये दो मरतबा बाएं जानब मारो, एक और तीन मरतबा दाएं जानब। चलो खुल गया, खुल गया। एक मिनट। ये डैड हाँ, इसमें बैटरी तो है। हाँ हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, वाकई है। हाँ तो फिर ये चल क्यों नहीं रही भाई? ये नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी है, इंजन नहीं है। हाँ वाकई भाई, इसमें तो इंजन नहीं है, मैंने गौर नहीं किया, इंजन ही नहीं है। इंजन नहीं है। हाँ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि मकान अंकल गाड़ी में इंजन डलवाना भूल ही गए हो। मालिक मकान बगैर इंजन के गाड़ी चलाते रहे, ए भी ये तो मौजजा ही हो गया। मौजजा नहीं, धोखा हुआ है, धोखा है? ये क्या लिखा है? एक सेकंड। ऐ लोगो, मुझे पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गाड़ी इस्तेमाल करने से आप लोग बाज नहीं आएंगे, इसलिए मैं गाड़ी में से इंजन निकाल के जा रहा हूँ। लो आगे सुने। हाँ। नोट। हाँ। अगर इमरजेंसी में गाड़ी की जरूरत पड़ जाए तो इसे किसी घोड़े के पीछे बांध कर इस्तेमाल किया जा सकता है। फकत आपका खैर ख्वाह अब्दुल मालिक प्लस मालिक मकान। अभी मेरे नरगिसी कोफ्ते और बैंगनी कबाब खराब हो जाएंगे। ओहो आप मर्दों का भी कुछ पता नहीं है भाई, रात को कम से कम गाड़ी तो चेक कर लेते। ओहो मॉम रात को गाड़ी चेक की थी और बंदे को भी लेकर आए थे, डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि इस मनोज गाड़ी में इंजन ही नहीं है। एक आइडिया दूं, ऐसे करते हैं अमेरिका की तरह ना सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांग लेते हैं। वाह बहू वाह, इतने सारे लोगों को और इतने सारे साजो सामान को कौन लिफ्ट देगा? अब आंटी ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो अब इस मुल्क में नई नई आई हूँ। मैं तो ये चाहती थी कि वजीर किसी लोकल से शादी कर ले ताकि उसे लोकल प्रॉब्लम्स का तो इल्म हो। ये भी मेरी बिरयानी ठंडी हो रही है, जल्दी से कोई फैसला करो। एक मिनट मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। हाँ, ये जो साथ वाली गली में मालिक अंकल का दोस्त नहीं रहता सरदार, मैं उससे गाड़ी मांग के लाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि आंटी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, कैसा? ए, बेटा वजीर मैं ही क्यों बीमार, सलमा भी तो बीमार हो सकती है ना। ओहो आंटी आप अपनी तबीयत को उस बिरयानी की तरह समझे जो किसी वक्त भी खराब हो सकती है। जाओ कब आ
जाएगा वजीर। हाय हाय। अरे यार भाई वजीर बेटे तुमने तो कमाल कर दिया यार, तुम सरदार से गाड़ी ले वो किसी को गाड़ी नहीं देता। अरे डैड मैंने एक्टिंग ही ऐसी की कि सरदार जी हैरान रह गए, कह लगे बेटा गाड़ी बाहर खड़ी ले जाओ। तुम्हारी शक्ल ना वो एक्टर से मिलती है इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ हमेशा एक्टिंग की। अगर वो क्या नाम है तो टीवी पे आता स्मॉल शेख, इस वजह से उसने। वो क्या कह रही हो तुम है, वो उससे कहाँ मिलती है, इसकी शक्ल तो सलीम शेख से मिलती है और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वजीर से मिलता है ना वो। मैं तो सच्ची बात कहती हूँ, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो मुझे उम्र में छोटा लगता है। हाँ तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम्हें अच्छा लगता ना। ओहो तो क्या मतलब भाई, वो सलीम शेख सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगता है जिनका बेटा होता है। ओहो क्या फजूल बहस शुरू कर दी, जल्दी करे इससे पहले के सरदार जी अपनी गाड़ी लेने आ जाए। हाँ भाई सलमा भाई, आप लोगों को भूख लगी है तो आप खाना वगैरह निकाल ले, मैं तो अपना शिकार करके खाऊंगा। अपना शिकार करके खाएंगे अंकल? शिकार तो किसी जानवर का था, अपना शिकार करके। ओहो बहू मेरा मतलब है मैं किसी का शिकार करके खाऊंगा। डैड क्या आप सांप खाएंगे? क्यों तुमने मुझे सांप खाते कल देखा भाई? अरे देखा नहीं तो आज देख लेंगे। तुम मेरे खाने को सांप समझ रही हो? वो तो मैंने सीख कबाब बनाए जिसे तुम सांप समझ रही हो। अरे हाय मैं तो इनको कह रही हूँ कि इस जंगल में अब सांप ही मिलेंगे ना, हिरन तो मिलने से रहते। अरे भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है, और वैसे अगर कुछ नहीं मिला तो इसका खाना तो है ही ना यहाँ। अंकल आप आंटी को खाएंगे, इंसान का गोश्त खाना जो है ना वो हराम होता है। ओहो सोनिया डैड आंटी परवीन का पकाया हुआ खाने की बात कर रहे हैं, आंटी परवीन को खाने की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, और मैं अब जा रहा हूँ भाई जंगल में जरा शिकार करने, और तुम जरा ये चूरा निकाल लेना गैस वाला और मसाले वगैरह, अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं ले आऊंगा उसको पका। डैड होशियार रहना। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं। फेस तुम अंकल को होशियार रहने को क्यों कह रहे हो, वो तो शिकार ही है, शिकार को अंकल से होशियार रहना चाहिए। ये कैसी बू आ रही है, मेरा तो ख्याल है कोई जंगली जानवर पड़ा हुआ है यहाँ। मेरा ख्याल है बू गाड़ी में से आ रही है। वजीर बेटा कहीं गाड़ी की गैस तो नहीं लीक हो रही? ओ नहीं आंटी, सरदार जी की गाड़ी पेट्रोल पे चलती है। बहरहाल मैं देखता हूँ। वैसे आंटी अंकल ने कोई अच्छी जगह चूज नहीं की पिकनिक करने के लिए? मैंने तो उनको मना किया था, अगर उन्होंने कहा सुननी थी मेरी, कहने लगे नहीं यही जगह सबसे अच्छी। हे भी इस घने जंगल में शिकार कहाँ मिलेगा, इंसान को खुली जगह पे जाना चाहिए जहाँ शिकार नजर भी आए। आंटी गजब हो गया। क्या हुआ? आपका खाना खराब हो गया, इसमें से बू आ रही है। हाय क्या हो गया वजीर बेटा, मैं तो मारी गई। आंटी आपका खाना खराब हो गया है। आपका खाना खराब हो गया, हमारा भूख वाला खाना खराब हो गया, अब खाएंगे क्या? अरे मैंने तो बड़े अरमानों से खाना बनाया था, दो दिन पहले ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। अरे हाय परवीन ये तुमने क्या किया, दो दिन पहले खाना बना लिया? ओए भी मैं तो 10 दिन का खाना पूरा बना के फ्रिज में रख देती हूँ। ये तुम क्या करती हो, 8-10 दिन पहले तुम खाना बना लेती हो, तुम हमें बासी खाना खिलाती रही हो। हाँ अब तो तुम बड़ी बातें बना रही हो, और जब मैं तुम्हें हर तीसरे दूसरे रोज खाना बनाकर भेजती हूँ वो भी तो 6-7 दिन का ही होता है ना। आंटी आंटी परवीन जो है वो आपको खाने बना के भेजती रही है रोजाना, और आप हमें हर वक्त ये कहती है कि मैं किचन में 7 दिन काम करती हूँ। तो सोनिया तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, ये मेरी सहेली है, मैं अपनी सहेली की बात तुम्हें क्यों बताऊँ? अभी रहने दो, अब कौन सी कसर तुमने बाकी छोड़ी है, कीड़े तो निकाल लिए मेरे खानों में। आप हमें कीड़ों वाले खाने खिलाती रही हैं। अरे छोड़ो सोनिया, मैं ना तुम्हें खिलाती रही हूँ ना मैं खुद खाती रही हूँ, मैं तो जो खाना होता था उठा के बिल्लियों के आगे डाल देती थी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया मुझ पे ना वजीर बेटा। नहीं बिल्लियों पे, दो सहेलियों की जंग में बेचारी बिल्लियां मारी गईं। अब क्या कसर रह गई है बेटा, जो अपनी बहू की ना हुई वो भला मेरी क्या हो सकती है। ओहो छोड़े इन फजूल बातों को, ये सोचेंगे खाएंगे क्या। वेस मैं तो ख्याल में अब जो अंकल शिकार करके लाएंगे ना हमें वही खाना पड़ेगा, वरना हमें भूखे वापस जाना पड़ेगा। हाँ वैसे गोली चलने की आवाज़ तो काफी देर पहले आई थी, पता नहीं डैड ने क्या पकड़ लिया। ओह
ओहो, डैड को अब तक आ जाना चाहिए था, गोली चले हुए भी काफी देर हो गई। मैं तो ये कहती हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा ने को बहुत बड़ा शिकार मार लिया, अब लाने में उनको मुश्किल आ रही है। हाँ तो आपका मतलब है मैं छुरी लेकर जाऊँ और रान काट के ले आऊँ? है वजीर बेटा, एक रान लाने का क्या फायदा, कम से कम दो रानें दो दस्तियाँ होनी चाहिए, जो बाकी बचेगा वो हम फ्रिज में रख देंगे। और कलेजी फिफरा वो वहीं रहने देना। हाँ तो इतना ही शौक है ना, तो आप जाएं छुरी लेकर खुद ही जाकर ले आए। वजीर बेटा, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना, हिम्मत करनी पड़ेगी वरना हम लोग भूखे रह जाएंगे। अरे मेरी तो फिक्र के मारे भूख ही उड़ गई है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम हिम्मत करो और जाओ जाकर शिकार पकड़ कर ले आओ। हाँ अरे वजीर चला गया तो हम औरतें अकेली रह जाएंगी ना। ये भी मैं ही हिम्मत करती हूँ, मैं ही जाती हूँ। ये लो छुरी मैंने ले ली और मैं गोश्त ला बेटे, ये देख छतरी। हाँ, 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 मैं देखो कितना अच्छा गोश्त लेकर आती हूँ। हाँ, चलो जाओ जाओ जाओ, बिस्मिल्लाह। आंटी, आंटी परवीन कहाँ चली गई है, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। मुझे तो उन दोनों की फिक्र हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उन्हें जाके देखता हूँ। मॉम, आप और सोनिया गाड़ी में बैठकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर दें, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। ए, ये लोग कहाँ चले गए, यहाँ तो कोई भी नहीं। अंकल आ गए। अंकल, ओह अंकल, हम गाड़ी में बैठे थे। हाय हाय, तुम कहाँ रह गए थे? बस कुछ नहीं पूछो, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अच्छा ना बताओ, पर ये बता दो कि शिकार मिला कि नहीं। अरे भी एक गोली मैंने चली, किस तरफ गई कुछ नहीं पता लगा, गोली भी गुम गई और जिस चीज को लगी वो भी नहीं मिला। अच्छा खैर, खाना लगाओ, बहुत सख्त भूख लगी हुई है। अंकल वो खाना नहीं लग सकता ना, क्योंकि वो जो खाना आंटी परवीन वाला वो तो गया। क्यों, परवीन सारे का सारा खुद खा गए? अरे सारे का सारा वो तो खा ही जाती। हाँ? मगर मैं ना बताती कि सारा खाना खराब हो गया। अच्छा भाई, गोली मारो इस परवीन के जिक्र को और खाना वगैरह। अरे हम कैसे गोली मारे, अरे बंदूक तो तुम्हारे हाथ में। अरे मेरा तो ख्याल था कि तुम कोई शिकार लेकर आओगे, मगर तुम भी बहू की तरह से खाली हाथ ही। खैर आंटी, मैं खाली हाथ तो नहीं आई थी, मैं तो विस को शिकार करके लाई थी। और अंकल से तो ये भी ना हो कि एक रैबिट ही मार लाते। अरे भाई, शिकार के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैं को हर रोज शिकार करता हूँ। कमाल की बात करते हैं आप लोग। गजब हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? वो आंटी लाल कोटी का कुछ पता नहीं चला। हाँ? पता नहीं उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, उसका छाता मिला है। आए है वेज, आसमान कैसे खा सकता है, उनको शेर ने खा लिया, क्योंकि अगर आसमान ने खाना तो आसमान को पहले नीचे आना पड़ता ना। आए हाय हाय हाय, मेरी सहेली परवीन को कौन खा गया, उस बेचारी ने तो अभी तक खुद भी कुछ नहीं खाया था। अरे बेगम देखो, रोने का क्या फायदा, अगर खुदा ना खासा तुम्हारी सहेली को शेर खा भी गया है तो तुम्हारे तरस खाने की वजह से वो उसे उगल नहीं दे। और उनको खाने के बाद कोई क्या तरस खाएगा, पेट में जगह होगी तब ना। फिजा ये शोर क्या, आंटी को शेर ने खा लिया है? नहीं तो और क्या, वो लाल कोटी कुरेशी वाली पहन के क्या जंगल में वॉक करने गई है? वेज वैसे एक बात है, अगर आंटी को शेर ने खाया भी होगा ना तो आंटी को कुछ नहीं होगा, आंटी जिंदा बाहर निकल आएंगी। क्यों, क्या शेर पछता के उन्हें वापस उगल देगा? ओह आंटी अब ना परेशान हो, आप याद करें ना, आंटी परवीन अपने साथ छुरी लेके गई थी, वो शेर का पेट काट के भाभी तो आ सकती है ना। हाँ भाई ये ऐन मुमकिन है, बस अब ये दुआ करो कि शेर के मुंह में दांत ना हो और वो उसे चबा ना सके। हाँ, मुझे तो अभी याद आया, वो जाते वक्त मेरे नए सैंडल पहन के चली गई थी। ओए ओए, सैंडल भी गए। हाँ भाई, फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? मैं तो सोच रहा हूँ कि सरदार जी ने अब तक मेरे खिलाफ पर्चा कटा दिया होगा थाने में, है? अब क्या बनेगा मेरा? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं परवीन के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने गोली चलाई थी वो किस तरफ गई थी? मुझे पता अंकल की गोली कहाँ गई है। तुम्हें कैसे है? पता है बहू, वो तो हाजमे की गोली थी जो परवीन अपने साथ लेकर आई थी, तुमने उसकी बू सूंघी होगी, मैंने तो वो खराब समझ के खाने के साथ ही फेंक दी। मॉम ऐसे आपने अच्छा किया कि हाजमे की गोलियां दे दी, हो सकता है शेर के पेट में भी गैस हो। नहीं ना, अंकल ने जो गोली चलाई थी ना उससे गाड़ी का पेट्रोल टैंक जो है ना वो शिकार हो गया, ये देखिए निशाना सा पेट्रोल बह गया है। ये देखिए ऐसा उसे की कीता। अरे भाई मैंने थोड़ी किया, ये तो बंदूक की गोली ने किया। हाय हाय वजीर के अब्बा, तुम्हें किसने कहा था कि इस उम्र में शिकार करने चल पड़ो, अब हम घर कैसे जाएंगे? हम ऐसे करेंगे कि हम कोई लिफ्ट ले लेंगे। इस जंगल में शेर चीते और भेड़िए की सवारी मिल सकती है बस। अरे यहाँ कौन आएगा हमारी मदद को, अगर कोई आया भी वो जंगली जानवर होगा, उससे कैसे बचेंगे? भाई इसकी तुम फिक्र ना करो, मेरे पास बंदूक जो है उसमें तो एक ही गोली थी जो आपने चला के गाड़ी मार दी। भाई मैंने पूरा डब्बा रखवाया था गोलियों से भरा हुआ,
अंकल वो डब्बा तो मैंने निकाल दिया था आंटी के कहने पे। आंटी कह रही थी इतनी महंगी गोलियां है तुम्हारे अंकल चला चला के जाया करेंगे। ओ ये क्या गजब किया तुमने बेगम। मॉम ने ठीक किया डैड, अगर आपकी बंदूक में ज्यादा गोलियां होती तो हम में से भी उसका कोई शिकार हो सकता था। अरे काश आपकी बंदूक की गोली गाड़ी के बजाय परवीन को लग जाती, उस बेचारी ने तो मरना ही था, शेर सना से ही आपकी गोली से मर जाती, हम घर तो चले जाते ना। ओहो मॉम घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर हम पैदल भी चले तो रात से पहले पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे। नहीं ना वेज, हम आंटी परवीन को कैसे छोड़ के जा सकते, हम उनको शेर के पेट में छोड़ के चले जाएं। तो क्या हम नसरीन को ढूंढने के लिए अब शेर को ढूंढने के लिए जाएंगे, उसका पेट चाक करें? मेरा तो ख्याल है आंटी जाएं। आंटी आप जाएं, आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा ऐसी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, अगर इतनी बेस्ट फ्रेंड होती तो मुझे बासी खाने ना खिलाती। हाँ ओहो आंटी की फिक्र छोड़े अपनी फिक्र करें। अंकल आपको जाना चाहिए क्योंकि देखिए ना आपके पास तो बंदूक है, शेर आपके पास बंदूक देख के आपके पास नहीं आएगा। हाँ भाई बंदूक तो है लेकिन बंदूक खाली है। ये शेर को तो नहीं बताना कि आपकी बंदूक खाली है, तो आपको पता है सिर्फ। लाओ मुझे बंदूक दो, मैं जाती हूँ परवीन को ढूंढने के लिए। ओहो मॉम क्या बातें कर रही है, खाली बंदूक का आप क्या करेंगी? अरे भाई हो सकता है यहाँ पर कोई शेर हो ही ना, हम ऐसे डर डर के मर रहे हैं। चलो बेगम इकट्ठे चलते हैं, कम से कम मरना जीना तो इकट्ठे होगा ना। अरे वजीर के पास क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अगर तुम्हें शेर ने खा लिया तो पेंशन भी जाएगी मुफ्त की, घर कैसे चलेगा? ओ, ओ, आप लोग खामखा बहस में पड़ गए हैं, मैं हूँ ना मैं जाऊँगा। नहीं नहीं विज नहीं जाएगा, क्योंकि अगर विज चला गया और पीछे कोई इंटरव्यू की कॉल आ गई विज की तो इंटरव्यू कौन देने जाएगा? शेर मैं ही जाऊंगी बंदूक लेकर। वो मिस आंटी आ गई वापस छुरी लेकर, रू आ गई उनके हमसे रिवेंज लेने के लिए। क्या हुआ सोनिया, मैं तो जिंदा सलामत हूँ। आंटी हाँ? आप पेट में से कैसे निकल आई साबुत? किसके पेट में से? अरे भाई शेर के पेट में से। कौन सा शेर भाई साहब, मैं तो आपको ढूंढने जंगल गई थी, रास्ता भूल गई, बड़ी मुश्किल से आई हूँ भूखी प्यासी। आपको रास्ते में आंटी नहीं मिली? कौन सलमा, वो कहाँ गई? अरे भाई वो तुम्हारी खातिर अपनी जान की बाजी लगा के जंगल में तुम्हें ढूंढने चली गई है। मेरी खातिर नहीं, उसको तो फिक्र होगी कि मैं उसकी नई जूती जो पहन गई थी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी आंटी, मेरी सचमुच वाली आंटी, उन्हें कुछ हो गया होगा। सोनिया उनको कुछ नहीं होगा, उसे देखकर तो शेर भी बकरी हो जाएगा। ये तो और भी बुरी बात है, उनको बकरी से ज्यादा डर लगता है, वो तो डर के मारे बकरी का दूध भी नहीं पीती। अच्छा भैया अब बताओ कि कौन आंख में चोली खेलेगा और सलमा को ढूंढने जाएगा जंगल? डैड अब आपकी बारी है, काश ये पंजाबी फिल्म होती और आप मॉम को यूं आवाज लगाते, सलमा नहीं सलमा। आइडिया तो पुराना लेकिन ट्राई कर लेते हैं। सलमा सब बातों को छोड़ें, गाड़ी को धक्का लगाएं सब मिलकर, गाड़ी को धक्का लगाओ, धक्का लगाओ भाई, धक्का लगाओ। आपको बड़ी सी तकलीफ बताएगी, जरा पीछे जाइए। अच्छा और आवाम के साथ मिल के इस गाड़ी को धक्का लगाइए। अच्छा जी हाँ जी चल रही है सर जी, स्टार्ट जी। थोड़ा ही और धक्का लगाना पड़ेगा आपको, हमारा घर अब करीब ही है। आपका घर करीब नहीं है सर जी, आप इधर ही रुक रहे। अच्छा इधर ही आ जाए, इसी को अपना घर समझे हैं जी। इसको इसको ये तो पुलिस स्टेशन है, अब हम पुलिस स्टेशन में रहेंगे आंटी। अरे खुदा ना खास्ता क्यों,
इसलिए क्योंकि विज मुझे बता रहा था कि जो बेरोजगार लोग होते हैं ना, वो थाने में रहना जो है ना, पुलिस स्टेशन में रहना वो पसंद करते हैं, ताकि उनको घर का किराया ना देना पड़े। यार संतरी। हाँ जी। ये तू हमें यहाँ क्यों लाया? ओ सर जी, थोड़ी सी तफ्तीश के लिए जी बस। तफ्तीश? कौन सी तफ्तीश? हमने क्या किया? ये चोरी की गाड़ी थाने तक पहुंचाने के लिए एक तो आपकी मेहरबानी, और जो पता चलेगा अंदर जाके। भाई ये चोरी की गाड़ी नहीं है, तो सरदार तारा सिंह की गाड़ी है। वो तारा सिंह साहब भी अंदर आराम फरमा रहे हैं, आप भी माशाल्लाह निकल के अंदर चले, इसी में आपकी खैरियत और हमारी तरक्की है। भाई सलमा जी, तुम परवीन और सोनिया यहाँ बैठो, मैं और वजीर अंदर होके आते हैं। जी चले ही जरा, चले भाई लाग पड़े आएंगे। वो बड़ा डाटा लगना। ओ सरदार तारा सिंह जी, मुझे ये बताया कि आप 2 घंटे से पैदल टहल रहे हैं, आपने कहाँ पहुँचना है? अपना थाने जरा गाँव तो ना, किसे ना किसे नतीजे में तो पहुंचूंगा ना। सर जी सची मुल्तमान गाड़ी समेत जो है ना जी पकड़ लिए गए हैं, और इनको मैं तक्के देता हूँ, थाने तक लेके आओ सर जी। ओ जी, ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी की है, इन्हें बताएं कि आपने तो हमें गाड़ी वैसे दी थी ना। गाड़ी ओ पाजी, क्या था तुम ठीक रहे हैं और क्या ये भी ठीक रहे हैं? गलती मुझसे हो गई है। वो ये कि जब मैंने गाड़ी की चाबी आपको दी, तो मुझे बाद में ख्याल आया कि गाड़ी तो मेरी घर वाली प्रीतो लेके गई हुई है। तो सरदार जी, फिर आपने वजीर को किस चीज की चाबी दी थी? मास्टर की। मास्टर की नहीं, बरामद शुदा गाड़ी बट साहब की है। तो थाने दरा मास्टर की, KEY की, जिससे हर ताला खुल जाता है। ओह माय गॉड, तो आपने मुझे चाबी देकर कहा था कि गाड़ी नीचे खड़ी है, वो गाड़ी ले जाओ, मैं गाड़ी ले गया। ओहो, इसका मतलब है कि आप गलती से किसी और की गाड़ी ले गए। गलती से नहीं थाने दरा, मास्टर की से। तो इसकी तो खूबी यही है, इससे हर ताला खुल जाता है। और मैंने तो ये बनवाई इसीलिए है कि अगर असल ना मिले तो इससे काम चलाया जा सके। ये तो बड़े काम की चीज हुई फिर सरदार जी। मसलन अगर बीवी घर में ना हो और मेहमान आ जाए, तो इंसान अलमारी के अंदर से कोई ये चाय पत्ती वगैरह निकालना चाहे तो इंसान निकाल सकता है। हाँ, मगर ये ख्याल रहे कि अलमारी आपकी अपनी हो, बट साहब की ना हो। अच्छा भाई, मैं हूँ चलता। सत श्रीकाल भाई, सत श्रीकाल। अपनी चाबी ले लो। लो जी, पहले तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, अब गाड़ी भी नहीं है, अब हम जाएंगे कैसे? आप फिक्र ना करें जी, आपको हम सरकारी गाड़ी में आपके घर तक पहुंचा देते हैं। अपनी गाड़ी में जरा इनको घर तक पहुंचा देते। सर जी, बात तो ट्रेजेडी हो गई है जी। क्या? वो सरदार जी जो थी ना, अपनी मास्टर की अपनी गाड़ी को लगाने की बजाय थाने की गाड़ी को लगा के ले गए जी।